हेलो स्टूडेंट्स, क्लॉजेस चैप्टर चल रहा था आपका, राइट? एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस, राइट? एडवर्ब क्लॉजेस तो हमने देखा है एडवर्ब में, एडवर्ब चैप्टर हमने पढ़ा है एडवर्ब एंड एडवर्बियल्स, उसमें हमने एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था डिटेल में, तो एक थोड़ा सा फ्लैशबैक हो जाएगा उसमें. नाउ एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव देखेंगे. एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? सिंपल है. जैसे आपसे पहले हमने पढ़ा है कि नाउन क्लॉज किसे कहते हैं. नाउन क्लॉज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और वो क्या करता है, फंक्शन करता है नाउन का, राइट? एक ऐसा क्लॉज जो नाउन का फंक्शन करता है, राइट? नाउन की जगह पे यूज़ होता है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट होता है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होना चाहिए, मतलब अपने आप में कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग डिलीवर नहीं करेगा, डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पे. तो इसी तरीके से एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज होता है. लाइक द न्यू कोट इज़ इन द कार, हेयर न्यू इज़ एडजेक्टिव. इफ़ वी रिप्लेस दिस न्यू बाय विच आई बाउट यस्टरडे, राइट, द सेंटेंस विल बिकम द कोट विच आई बाउट यस्टरडे इज़ इन द कार. Here which I bought yesterday, these are the words which is used in place of adjective new. So that is why this is an adjective clause, right? So an adjective clause is a subordinate clause which contains a subject and a predicate and does the work of an adjective, right? An adjective clause is usually placed immediately after the noun or pronoun it modifies, while an adjective often comes before the noun or pronoun. Adjective clause जो होता है वो हमेशा बाद में ही आता है noun और pronoun के, जबकि adjectives जो होते हैं वो कभी कभी noun या pronoun से पहले भी sentence में appear हो जाते हैं, right? To introduce an adjective clause we use relative pronouns. Relative pronouns का हम use करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए सेंटेंस में. रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, हुम, हुज, विच, दैट, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस विच वी यूज टू इंट्रोड्यूस एन एडजेक्टिव क्लॉज इन द सेंटेंस. लाइक शी इज़ द गर्ल हु वर्क्स इन माई ऑफिस, राइट? द कंप्यूटर विच आई यूजअली यूज हैज़ क्रैश्ड. ही हैज़ लॉस्ट द पेंटिंग दैट यू गेव हिम. सो इनमें एग्जाम्पल्स में रिलेटिव क्लॉजेज आपको हाईलाइट हो रहे हैं, दिख रहे हैं. पहले में है हु, राइट, दिस, एंड दूसरे में है विच, और इसमें है दैट. सो ऑल दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट? रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? इनसे भी हम रिलेटिव एडवर्ब्स से भी हमें हम कभी कभी इंट्रोड्यूस करते हैं. I have visited the place where Lord Krishna born. Right? Where use हुआ यहाँ पे, the time when the flight will land has not been announced. यहाँ पे when, and I don't know the reason why he is so upset. Why जो है ना, ये भी relative adverb, right? In the sentences above, where, when and why are relative adverbs used to introduce adjective clauses. Such adjective clauses specify place, time and रीज़न, राइट? प्लेस, टाइम एंड रीज़न स्पेसिफाई करते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस, राइट? उनको हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किससे, रिलेटिव एडवर्ब्स से, राइट? समटाइम्स वी ओमिट रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग एडजेक्टिव क्लॉजेस, बट दीज आर अंडरस्टूड. कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स को हटा देते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं, लेकिन हमें उनको डिनोट करके हाईलाइट करके ज़रूरत नहीं है बोलने की सेंटेंस को, राइट? जैसे अनुभा सॉ ए गर्ल शी न्यू, अनुभा सॉ ए गर्ल शी न्यू. यहाँ पे होम जो है ना वो अंडरस्टूड है. इसी तरीके से द रीज़न ही हैज़ केम इज़ टू आस्क फॉर माई कार. वाई ही हैज़ केम इज़ वाई हेयर इज़ अंडरस्टूड, राइट? Where is the gift which he left for me, which is understood, so we can say it like that, like where is the gift he left for me, right? The day you get a promotion I will celebrate,
डे वैन यू गेट अ प्रमोशन आई विल सेलिब्रेट, ऐसे भी ठीक है। द डे यू गेट अ प्रमोशन आई विल सेलिब्रेट, ऐसे भी ठीक है, क्योंकि ये वैन इसकी नीड नहीं है कि हाईलाइट करा जाए, बोला जाए, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि किस किस दिन की बात हो रही है, राइट। हेयर यू आर हैविंग एन एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉजेज एंड इन ईच सेंटेंस एंड राइट द रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब विच इंट्रोड्यूसेस ईच सच क्लॉज। तो सबसे पहले हमें एडजेक्टिव क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है, उसके बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब को अलग से लिखना है, बताना है कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब यूज़ हुआ है इसको, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। विच इज़ द हाउस वेयर योर अंकल लिव्स, राइट। तो वेयर योर अंकल लिव्स, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द एडजेक्टिव क्लॉज। एंड वेयर इज़ द रिलेटिव एडवर्ब यूज, राइट। आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर हुज़ गाइडेंस हेल्प मी अलॉट, राइट। हुज़ गाइडेंस हेल्प मी अलॉट, ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एंड हुज़ इज़ द वर्ड विच वी हैव टू डिनोट, राइट। तो हमें इस तरह करना है, सारा करना है, राइट। सिमिलरली वी आर हैविंग अनदर एक्सरसाइज हेयर, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन ईच सेंटेंस एंड राइट वेदर इट इज़ ए नाउन क्लॉज और एन एडजेक्टिव क्लॉज। आपको नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है ये बताना है, ए क्लॉज को अंडरलाइन करके, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। आई नो ए मैन हु कैन रीड अ बुक बैकवर्ड्स, राइट। हु कैन रीड अ बुक बैकवर्ड्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। हु कैन रीड अ बुक बैकवर्ड्स, इट इज़ ए नाउन क्लॉज, राइट, क्योंकि ये फंक्शन कर रहा है नाउन का। द सेकेंड सेंटेंस इज ही सेज दैट ही इज़ अ वेजिटेरियन, सो ही सेज दैट ही इज़ अ वेजिटेरियन में दैट ही इज़ अ वेजिटेरियन, इट इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, एंड बिकॉज इट इज़ डूइंग द फंक्शन ऑफ ए नाउन, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ए नाउन क्लॉज। थर्ड वन इज़ वी से वी सॉ अ मूवी दैट आई हैड सीन बिफोर, राइट। वी सॉ ए मूवी, राइट, इसके बाद दैट आई हैड सीन बिफोर, तो ये जो दैट आई हैड सीन बिफोर है ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है एंड ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, बिकॉज आई हैड सीन बिफोर ये क्या है, मूवी की कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज, बिकॉज इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, इट डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। सो दैट इज़ हाउ, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू ऑल दी पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। नाउ एडवर्ब क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज हमें पता है कि जो क्लॉजेज एडवर्ब का काम करते हैं उन्हें एडवर्ब क्लॉजेज कहते हैं, और इनकी डिटेल हम एडवर्ब क्लॉजेज की डिटेल हम एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल चैप्टर में कर चुके हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं, राइट। सो एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे माय फैमिली अराइव प्रॉम्प्टली, राइट। प्रॉम्प्टली की जगह पे अगर हम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग लिखते हैं तो जिस तरह प्रॉम्प्टली फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का, उसी तरीके से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी एडवर्ब का फंक्शन कर रहे हैं, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, राइट। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज हुआ, राइट। सो आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ एंड वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड नाउ यू आर हैविंग योर सेकेंड टर्म एग्ज़ाम। तो इस चैप्टर के साथ आपका सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस भी कम्प्लीट हो चुका है। नाउ विल डू रिवीजन, राइट। रिवीजन का रिवीजन जो भी आपने किया है, वर्कशीट्स की हैं, एक्सरसाइज की हैं, उनको रिवाइज करिए, राइट, एंड डू प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली फॉर योर एग्ज़ाम। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।